वेलकम टू अमेजिंग कमोलिका। मैं बहुत दिन बाद फिर से कोलकाता आई हूँ मेरे घर, और रियली आई एम वेरी मच हैप्पी एंड दिस इज़ क्वाइट आई मीन यूजुअल राइट कि आप जब अपने घर जाते हैं तो आप बहुत खुश होते हैं, तो मैं भी बहुत खुश हूँ। लेकिन मैंने जो सोचा कि आई मीन मोस्ट ऑफ माई सब्सक्राइबर्स आर फ्रॉम आउटसाइड, कहाँ कहाँ से सब्सक्राइब हुआ है चैनल, बहुत सारे जगह पर, आउट ऑफ कंट्रीज ऑल्सो। सो दे आई मीन मैं क्योंकि बहुत सारे जगह पर काम की हूँ, बहुत सारे स्टेट्स पे रह चुकी हूँ, तो उधर के जो नोन मेरे सराउंडिंग्स थे वो लोग भी मेरा चैनल समहाउ सब्सक्राइब किया है। तो मैं चाहती हूँ कि अब मैं मेरे चैनल को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाऊँ। इंटरेस्टिंग मतलब यही कि मेरा चैनल का मोटिव, ये वाला चैनल का एटलीस्ट अमेजिंग कमलिका का मोटिव कभी भी ये नहीं था कि मैं कुछ सीरियस बनाऊँ, क्योंकि मेरा सीरियस वाला चैनल और एक है बंगाली फ्रेंड्स के लिए। तो मैं सिंपली चाहती हूँ इस चैनल पे मैं कुछ मज़ेदार अपलोड करूँ, तो मैं करती हूँ मेरे लिए जितना पॉसिबल हो पाता है, मेरे फ्रेंड्स के लिए, आप लोगों के लिए। तो अभी मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि मैं कुछ इंटरेस्टिंग करती हूँ, जैसे कि लास्ट एक्सपीरियंस मेरा कश्मीर का रहा है। तो मेरे नॉर्थ के फ्रेंड्स के पास, मेरे नॉर्थ में रहने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ, यूजुअली मैं हमेशा ईस्ट इंडिया में काम की हूँ हमेशा, तो मैं जो सब स्टेट्स पे रही हूँ सभी स्टेट्स ईस्ट में आता है, इंडिया के ईस्ट जोन में। तो हमारे ईस्ट जोन का कल्चर यूजुअली लगभग आसपास है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है लेकिन लगभग आसपास है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, क्योंकि मैं नॉर्थ पे गई तो नॉर्थ में जाने के बाद मुझे बहुत ही बहुत सारे चीज़ों में बहुत सारा डिफरेंस मिला, लाइफस्टाइल से लेकर फूडिंग, इवन इंटीरियर डेकोरेशन, एवरीथिंग। क्योंकि हमारे उधर और उधर दोनों जगह में बहुत फ़र्क है, तो ये अच्छा भी है क्योंकि हर एक जगह का अलग अलग मज़ा होता है ना। तो मैं किसी भी चीज़ को, जैसे मेरा मेरा शहर, मेरा कोलकाता, सिटी ऑफ जॉय बोला जाता है इसको, तो मैं इस सिटी से बिलोंग करती हूँ। तो मेरे मन में कोई भी छोटी चीज़ें नहीं आता है, हाँ। तो पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं, धर्म, उसके बाद पता नहीं और भी, मैं ये सब नेगेटिव चीज़ें मेरे चैनल में एटलीस्ट मैं डिस्कस नहीं करना चाहती, चलो कोई बात नहीं। तो मैं मेट्रोपॉलिटन सिटी से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा हमेशा से मैं इधर ही रह चुकी हूँ, तो मेरा सोच भी ऐसा ही है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ कोलकाता का बहुत सारा चीज़ें आगे शेयर करूँगी। अभी तो मैं फ़िलहाल रहने वाली हूँ एक महीना इधर ही, उसके बाद आई डोंट नो, मेरा तो कुछ प्लान रहता नहीं है, प्लान बन जाता है। मैं लाइफ में कभी कोई प्लान नहीं रखती हूँ, मैं मतलब मेरा प्लान ना हमेशा ऐसा हुआ है मेरे साथ ही कि अचानक बना है, अचानक कुछ हुआ है, मैं अचानक कहीं गई हूँ। कश्मीर जाना भी मेरे लाइफ में अचानक ही था, विद इन टू डेज, आई मीन अभी भी मुझे याद है, 1 मार्च को ऑर्डर आया और 3 मार्च को मैं निकल गई, ऐसा हुआ था। इवन मुझे 1 तारीख से पहले पता तक नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, और कश्मीर जन्नत बोला जाता है, तो एक्साइटेड थी, अच्छा रहा एक्सपीरियंस। अब चलो बूढ़े लोगों के बारे में क्या बोलना, जो लोग अपना छोटा सोच रखते हैं उनको उनका सोच मुबारक, बहुत ढेर सारी प्यार उन लोगों को भी, जो लोग बहुत गंदे गंदे घटिया कमेंट्स करते हैं, जिनके घर में शायद माँ बहन नहीं है वो लोग ही ऐसा कमेंट्स करते हैं, मुझे पता है। तो चलो कोई बात नहीं, ऐसे लोगों को माफ़ कर देना चाहिए तभी आप खुश रहेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं एक या दो इंसान के लिए मेरे सभी फ्रेंड्स को ख़राब नहीं बोल सकती, तो दैट्स वाई मैं बांग्ला में भी मेरा ब्लॉग बना सकती थी। इवन मैं बांग्ला में बनाऊँ तो मेरा ब्लॉग और ज़्यादा वायरल होगा, बिकॉज बंगाली इज़, आई मीन आई एम फ्रॉम
वेस्ट बंगाल. सो ऑफकोर्स मेरे बंगाली फ्रेंड्स जो है वीडियोस ज़्यादा देखेंगे. बहुत सारे लोगों को हिंदी सही से समझ नहीं आता है, बट स्टिल आई एम मेकिंग वीडियोस इन हिंदी फॉर माय आउटसाइड फ्रेंड्स, राइट. सो कोशिश कीजिए आप लोगों को अच्छा लगे मेरा वीडियो, तो शेयर कीजिए बॉस. मैं कोशिश करूँगी मज़ेदार वीडियोस बनाने की. मैं कभी कभी मेरा इनू को लेकर भी वीडियोस अपलोड करूँगी. इनू इज़ माय पेट, अ स्मॉल रैबिट ऑफकोर्स. मैं उसको लेकर भी वीडियोस अपलोड करूँगी. और मैं सबसे पहले तो हमारे बंगाल का फूडिंग स्टाइल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने हर किसी चीज़ में डिफरेंस देखा है. ईस्ट जोन में यूजुअली बिहार, झारखंड, ओडिशा में तो नहीं देखा था, सेम ही है लगभग. लेकिन मैं जब नॉर्थ में गई तो मुझे लगा कि नहीं, ये अलग है. गुड है, बहुत अच्छा है, लेकिन अलग है. जैसे उन लोगों को शायद हमारा खाना, हमारा कल्चर बहुत अलग लगेगा, वैसे ही मुझे अलग लगा. तो इसमें बुरा बात कुछ है नहीं, है ना. तो चलो मैं आगे से अपलोड करती रहूँगी. और मेरे कुछ बच्चे मेरा चैनल मतलब सब्सक्राइब कर लिया है, तो बच्चों को मैं बोलूँगी कि बेटा आप लोगों की मैम, पता नहीं आप लोग दिल से बोलते थे या फिर ऐसे ही मजाक में, आई डोंट नो, बट आप लोग बोलते थे आप लोग मैम को बहुत प्यार करते हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए. सामने आप लोगों का एग्ज़ाम आने वाला है. मैं आप लोगों को देखना चाहती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा मार्क्स ला रहे हैं अपने लाइफ में. मम्मी पापा का बात सुनिए. फ़ोन तो आप लोगों को मना भी करूँगी तो आप लोग यूज़ करेंगे, मुझे पता है, लेकिन कोशिश करो कि इससे तुम्हारा नुकसान ना हो. क्योंकि हम लोगों को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हम लोगों का फ्यूचर ख़राब हो, है ना. तो ये हमेशा याद रखना बेटा, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. और मुझे पता है मैं एक्चुअली अभी कमेंट्स डिसेबल रखती हूँ, लेकिन मैं रखूँगी एनेबल, तो शायद मेरे बच्चे मेरे लिए बहुत सारा ढेर सारा कमेंट्स भी करेंगे, और ख़राब कमेंट्स में शायद वो लोग खुद जवाब देंगे. देखते हैं, नो इशूज़. लेकिन इतना है कि आप लोगों की मैम आप लोगों को मिस करती है. मेरे सभी बच्चे, मेरे सभी स्कूल्स के बच्चे, मैं पर्टिकुलर एक स्कूल के बारे में तो बोल नहीं सकती, मेरे सभी बच्चे बहुत मतलब डिफरेंट स्कूल से बच्चे हैं मेरे चैनल में, मुझे पता है. छुप छुप के फेक अकाउंट से भी सब्सक्राइब किया हुआ है, लेकिन वो लोग मुझे प्यार करते हैं, मुझे ये भी पता है. लेकिन बेटा लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, हाँ, और अपना ध्यान रखना है. चलो आज के लिए इतना ही.